महंगी पड़ेगी। कि पताका खून की होड़ से निकलेगी ये आजादी हमें महंगी पड़ेगी। ये बिल्कुल ताजा गजल है जो मैंने अभी कहीं पढ़ी नहीं है, अभी ताजा ताजा कही है, तो मेरा सौभाग्य है कि इस मन से मुझे इसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। कि पता था खून की होली खिलेगी ये आजादी हमें महंगी पड़ेगी। और शेर मुलायदा फरमाए कि अगर रहबर लुटेरे बन गए तो, अगर रहबर लुटेरे बन गए तो वतन की आबरू कैसे बचेगी। अगर रहबर लुटेरे बन गए तो वतन की आबरू कैसे बचेगी। चली तो है तलाशे रोशनी में, चली तो है तलाशे रोशनी में, ये रैली किस जगह जाकर रुकेगी। ये रैली अगर रहबर लुटेरे बन गए तो कोई भी कला सिखाने से तराशी तो जा सकती है, पैदा नहीं। पैदा आज एक समय आया है जब केवल हाथ से कवि और दिव्यगस के कवि की ही पूछ है, संगागस वगैरह सब बिल्कुल खत्म हो गए। आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या, पहले जो हमारी कविता थी वो यूनिवर्सिटीज तक थी, क्लबों तक थी, अब हमारी पशु मेले तक आ गई। हमारे भरतपुर में पशु मेला लगता है, उसके अंदर भी कवि सम्मेलन होता है, तो नेचुरली ये आम आदमी आ गया उसके अंदर। तो पहले कविता लिमिटेड लोगों की थी, पढ़े लिखे लोग सुनते थे, अब गांव का आदमी कविता सुन रहा है। तो कविता इसलिए थोड़ा सा जब नीचे स्तर पर आया तो कविता को भी सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। यदि हम गांवों में जाकर क्लिष्ट गीत सुनाएंगे तो उन्हें पल्ले नहीं पड़ेंगे, तो कविता को सहज होना पड़ा, इतना मैं कह सकता हूं। तो उसमें गीत बेचारा सहज नहीं हुआ, वीररस चीखता है, चिल्लाता है, तेज बाजुओं फड़काता है, हंसरस सहज है, तो जल्दी समझ में आ गया, गीत थोड़ा सा इस मामले में पिछड़ा। आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और आप एक कवि हैं, तो राजनीति से भी आपका पूरा नॉलेज रहता है, ऐसे में राजस्थान के चुनाव पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो ऐसे एक कवि के तौर पे, जैसे मैं एक मिनट में एक जैसे एग्जिट पोल करवाया जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ तो राजनीति वालों से प्रश्न पूछना चाहिए। फिर भी मेरे को तीनों प्रांतों में लगता है बहुत कांटे की टक्कर है, उतनी सरल न समझे कोई भी पार्टी की बहुत आसानी से बहुमत मिल जाए, ऐसा नहीं है।